इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इन चीजों के ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया था। सीडी जोन आप सबको पता है, सीडी जोन का वीडियो सबने देख लिया होगा आई अज्यूम, तो सीडी जोन सबको पता है। सीपीआर का वीडियो सबने देखा होगा, उस दिन हमने बहुत ब्रीफली भी इसके ऊपर टच किया था। सीपीआर में जो लोग कहते हैं ना, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 3 मिनट में बताता हूँ कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप आज बैठिए अपने सिस्टम के ऊपर और जितने भी आपके स्टॉक्स हैं सबके सब चेक कीजिए, ठीक है। किसके ऊपर चेक करने हैं आपको? सीपीआर के ऊपर। उनमें से आप ये ढूंढ लीजिए कि कौन कौन से सेटअप्स के अंदर प्लेटिनम सेटअप बन रहा है, किस किस के अंदर गोल्ड सेटअप बन रहा है। ओके, जो भी बेस्ट वाले हो आपके, 5 ये निकाल लीजिए और 5 ये निकाल लीजिए। टोटल 10 स्टॉक आपके पास आ गए। अपनी वॉच लिस्ट में वो 10 ट्रेड डाल लीजिए जो कोई इंट्राडे करता है। 10 ट्रेड आप, वो 10 जो स्टॉक है वो आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। अगले दिन आपको उन 10 स्क्रिप्ट के ऊपर कोई ना कोई एक बहुत अच्छा सा ट्रेड मिल ही जाएगा। ट्रेड कैसे लेना है? ब्रह्मास्त्र को देख के। सिंपल सी बात है, लोग इतनी भी मेहनत तो नहीं करना चाहते हैं, तो जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फिब के ऊपर जो मैं बताना चाहता था, मैं अगेन आपको फिब का वीडियो दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखिए। फिब के ऊपर भी, फिब क्या करता है ना, हमारा एक काइंड ऑफ, जैसे हम रिजेक्शंस और जैसे हमारी जोन बनती है, सप्लाई जोन बनती है, डिमांड जोन बनती है, वो सब बनती है, उसी तरीके से फिब के ऊपर भी काफी सारी चीजें होती है। जो आज का वीडियो है मैं स्टार्ट करता हूँ फिब के साथ, ठीक है। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप आज की क्लास के बाद ये वीडियो देखोगे। सबसे पहली बात तो फिबोनाकी क्या होता है? फिबोनाकी एक हमारे कुछ वो रहे होंगे, एक इंसान रहे होंगे जिन्होंने कि हमें ये पूरा सिस्टम बना के दिया है फिबोनाकी, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, फिबोनाकी दिखता कैसा है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने डे के ऊपर ये चार्ट खींचा हुआ है। कभी भी अगर मेरे को एक लो और एक हाई पता है, उसके बेस के ऊपर मैं ये पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ कि कहाँ से वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस का मतलब है कि अगर स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, कब तक नीचे गिरेगा, या कौन से वो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जहां से कि वो वापस आने की संभावना है उसकी, ठीक है। उसको तो बोलते हैं कि कितना नीचे गिरेगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, और मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड डेटा नहीं है, तो आप फिब की मदद से ये पता लगा सकते हो कि वो कहाँ तक जाएगा। कोई भी स्टॉक, हमें पता है कि ऐसे हम करते हैं तो ऐसे करके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर, तो ये लेवल्स कौन सा होता है जहां से ये वापस जाता है। अगर आप इस लेवल का पता लगा लें, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर गया फिर हल्का सा नीचे आया, ठीक है, यहाँ तक तो फिर कंसोलिडेट ही किया। अब यहां से देख लीजिए, इतना ऊपर गया यहाँ पे आया, ये तो यहाँ पे ऐसा क्या था कि यहाँ से वापस जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से ऊपर गया है, अगर ये यहाँ से नीचे गिरेगा तो कहाँ तक नीचे गिरेगा। जब हमें इस चीज को प्रिडिक्ट करना होता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक टूल होता है फिबोनाकी। हालांकि ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इन सब के अंदर वो नहीं बताऊंगा आपको कितना, लेकिन जो हमारे काम की चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये होता है फिब रिट्रेसमेंट। अभी आप मान लीजिए कि ये यहां तक का चार्ट मेरे को नहीं दिखता है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे एक क्लिक करके इसको टॉप टू बॉटम को मिला लीजिए, ठीक है। टॉप टू बॉटम कैसे मिलाया मैंने, दोबारा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आप ढूंढोगे फिब रिट्रेसमेंट, और जो भी आपको उस वक्त में लो दिखता है वहां से हाई तक, ये हाई है तो यहाँ पे मैं इसको एक लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंज कर देते हैं सो दैट कि अपने को ठीक से दिखे, ये सारे लेवल्स अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और लेवल ऐड करना चाहूंगा, जो कि आप कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मिलने वाला है, 0.68। ओके जी, इसको मैंने इनेबल कर दिया और इसको मैं करता हूँ ओके। तो हमेशा क्या बोला जाता है, जैसे कि हम पिवट पॉइंट यूज करते हैं ना, कि R1, R2, R3, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बोला जाता है कि
कभी भी आपका स्टॉक अगर एक, या आप इनको रीजन लगा लीजिए या इनको बस स्टॉप लगा लीजिए, कि अगर इस वाले यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। अभी हम लोगों ने क्या इसमें ढूंढना था कि भैया कहाँ तक नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ तो टॉप उसने मार दिया, टॉप मार के जब वो नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आएगा। देखिए इस कंडीशन में ना दो चीजें होती है, नंबर एक होता है कि वो जो नीचे गिर रहा है उसको हम लोग या तो रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना, रिट्रेस बोलते हैं कि कहाँ तक रिट्रेस करता है। दो चीजें होती हैं इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, दो चीजें होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि मार्केट को जब ऊपर नीचे जाना है तो रिट्रेस या करेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो करेक्शन होता है या जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, दो तरीके के होते हैं। नंबर एक वो होता है आपका प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज ऊपर गई तो वो थोड़ी नीचे आएगी। प्राइस अगर यहाँ से 100 रुपये से अगर प्राइस पहले 150 पहुंचा, ठीक है, तो वो कुछ मान लीजिए 130 तक नीचे आएगा और उसके बाद फिर एक नया हाई मारेगा 160 170। मैं फिब को कहाँ पे यूज करता हूँ कि इस वाले सेगमेंट को मैं कैसे पकड़ूं कि जब नीचे गिरना शुरू हुआ है तो कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। तो ये तो एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है। दूसरा जो करेक्शन होता है ना उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन क्या होता है? टाइम करेक्शन को हम जो दूसरे नाम से जानते हैं उसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। वो क्या करता है कि आपका भाव यहाँ पे आया, ठीक है, सेम चीज वही बात करता हूँ, 100 रुपये से 150 तक आया, क्योंकि उसके अंदर बायर्स हैवी हैं या दे डोंट वांट टू गिव अप, वो क्या करेंगे उसको नीचे नहीं जाने देते प्राइस को ज्यादा। आइडली क्या होना चाहिए? आइडली यहाँ तक आना, करेक्ट होना चाहिए, फिर आएगा, तो ये तो हमारा प्राइस करेक्शन हो जाएगा। बट कई केसेस में आप क्या देखोगे कि प्राइस नीचे नहीं आता, और जब यहाँ पे अगर मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे इसको क्रॉस करना चाहिए था तो यहाँ पे ये नीचे गिरने की बजाय यहीं पे धीरे 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 कंसोलिडेट करता रहता है, और जब इसका प्राइस करेक्शन हो जाता है, जब इसका टाइम करेक्शन हो जाता है तो वहीं से ही ऊपर उड़ जाता है। इसको वीक ऑफ भी बोलते हैं, वो भी एक नाम से लिया जाता है, बट आप इसी तरीके से इसको मान सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू फिब, फिब के अंदर आप कैसे ये देखोगे कि कहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिले? ये जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाया है ना, ये बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं होता, लेकिन जो हमारी जोन होती है 618 से लेके 0.68 तक, लिख के रख लीजिएगा, इस जोन को बोलते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। अगर आपका प्राइस यूजली 0.5 से ही वापस चला जाना चाहिए, अगर 0.5 के नीचे आता है तो ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपका जो प्राइस है इस गोल्डन जोन में आके रिवर्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले सेगमेंट के ऊपर उसने वही किया, यहाँ पे गोल्डन से ही रिवर्स हुआ। अगर मैं आज की बात देखूं, अब क्या चल रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से इसने देखिए, यहाँ से आया नीचे एक हाई मारा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से गया एक हाई यहाँ पे मारा, उसके बाद यहाँ पे गया, ये दोबारा हाई मारा, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसको गिरना चाहिए था ना, लेकिन गिरा नहीं। अगर गिर जाता तो ऐसे करके ऐसे निकल जाता ये, अपने को समझ में आ जाता, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, ये टाइम करेक्शन करने लग गया यहाँ पे, कि कुछ टाइम तक यहाँ पे रहेगा और हो सकता है उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। चलिए कोई और एक एक और चेक कर लेते हैं, तो दैट कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मार्केट में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, आपको बस आंख पांव आंख नाक खुली रखनी है। ये देखिए, ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन टूटी, तो मैंने कितना बोला है कि जितना सबसे बड़ा लैग होगा उतना नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस को क्या हुआ है, इतना ऊपर गया था तो यहाँ नीचे आ गया। अभी इसमें तो खैर मैं फिब यूज कर नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा हुआ है, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको मैं करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे इसका लो पकड़ो और इसका, सॉरी, ठीक है, एक मैंने इसका लो पकड़ा और एक मैंने इसका हाई पकड़ा। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हाई पकड़ने के बाद ये नीचे आया,
इस जोन में इसने टाइम बिताया, कोशिश किया कि यहाँ से मैं वापस चला जाऊं, ठीक है, लेकिन यहाँ से वापस नहीं आ पाया। गोल्डन जोन से अभी मैं कहूँ काइंड ऑफ रिवर्सल है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आया, लेकिन वहां से कुछ भी ड्रामेटिकली अच्छे, इसने गोल्डन जोन भी तोड़ दिया। गोल्डन जोन तोड़ दिया तो फिर कोई बात ही नहीं है, गोल्डन जोन तोड़ दिया तो इसका मतलब फिर वो अपने लोग को भी तोड़ेगा। यूजली अगर गोल्डन जोन नहीं बचा पाता ना उसको, गोल्डन जोन क्या बोलता है, जो गोल्डन हमारा जोन है, कि यहाँ से वापस होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी थोड़ी हर बार वापस होगा। अगर वापस नहीं होता तो ये माना जाता है कि जो उसका लो है उसके नीचे भी वो आ सकता है, तो इसने वापस एक और कोशिश तो की है। अभी हम क्या देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में लगा के देखिएगा। मान लीजिए जब आपके पास ये लो है और ये हाई है, तब आप देखिएगा ये कहाँ से करेक्शन हुआ है। जब आपके पास ये लो है और ये हाई है, देखना गोल्डन जोन से रिवर्स नहीं हुआ, गोल्डन जोन से रिवर्स नहीं हुआ तो इसको तोड़ेगा, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। बाकी आप वीडियो देखोगे तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कवर की है। अभी जो नेक्स्ट चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी होगी, ये देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। ये रेड कैंडल के बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी सेल में दिखाया था आपको, इंगल्फिन, ठीक है। ये लॉन्ग इन लॉन्ग कीजिए, इसके ऊपर से लॉन्ग कीजिए, उसके बाद लेके जाइए। ये देखिए इसकी, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है, इसके अंदर ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये रेड कैंडल आई, तो क्या इस शेप को हम क्या बोलते हैं? हीरो मोटोकॉर्प में परफेक्ट गोल्डन जोन तक रिट्रेसमेंट है सर। हाँ सर, आप देखेंगे तो आपको हर चीज के अंदर मिलेगा, बस वो देखने वाली आंखें चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इनसाइड ट्रेडिंग बेरिश हरामी। यस एब्सोल्युटली। बेरिश हरामी में हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, कि जिस जो फर्स्ट कैंडल होती है उसके लो के नीचे हमें शॉर्ट करना होता है। तो ये देखिए यहाँ से शॉर्ट किया होगा जिस बंदे ने, कहाँ तक मिला है उसको, दुनिया भर का टारगेट मिला है, बहुत अच्छा टारगेट मिला है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं जो आज नई चीज बताऊंगा, हो सकता है मैंने पहले भी बताई हो, मैंने अब यहाँ लिख के रखी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जो दूसरी चीज है आज का जो सेकंड टॉपिक है, के नीचे शॉर्ट, हाँ मदर के नीचे शॉर्ट, यस सर यस सर, मदर कैंडल जो है उसके नीचे शॉर्ट। देखिए दूसरी चीज मैं आपको एक, ये चीज ना आपको बहुत सारे उसमें भी काम आएगी, कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझने में भी काम आएगा। कई बार क्या होता है ना, एक बड़ी ऐसी कैंडल बन जाती है, ठीक है, जैसे ये बड़ी कैंडल बन गई है, ये बड़ी कैंडल बन गई है, तो ऐसी जो बड़ी कैंडल्स होती है ना, उसके अंदर या तो आपकी अच्छी बाइंग आती है या अच्छी सेलिंग आती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके के बायर्स वहां पे थे। अगर ऐसा कभी भी होता है और इसके अंदर हम लोग वापस से कैंडल बनाना चालू कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो वो एक टाइप का या तो कंसोलिडेशन होता है। अच्छा, कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। कभी भी अगर आपका भाव कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, कंसोलिडेशन, जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल का आप हाई मार्क करो और ये वाली कैंडल का आप लो मार्क करो, ओके, कभी भी ये कंसोलिडेशन होता है। कभी भी अगर एक बड़ी कैंडल के अंदर बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन उसका ना तो हाई तोड़ा जा रहा है ना उसका लो तोड़ा जा रहा है, ओके, इस कैंडल का जो कलर है उसके ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाना है कौन सा कलर है, कलर को भूल जाइए, बट इस कैंडल के अंदर कभी भी बहुत सारी ये होती है, ठीक है, बहुत सारे हमारे दिन गुजर जाते हैं लेकिन कुछ अच्छा एक ट्रेड नहीं मिलता, तो इसका मतलब वहां पे कंसोलिडेशन जारी है, कुछ तो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे। और जब उस कैंडल का हाई या लो टूटता है तो एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलता है। नाउ दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइम फ्रेम्स, ये आपके दिन में भी, आपका जो इंट्राडे करते हैं वहां भी काम आएगा, पोजिशनल में तो बहुत बढ़िया काम आता है, और जिस भी तरीके की आप ट्रेडिंग करते हैं। तो इस जो फिनोमिना है कि एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल, इसको नाम बहुत सारे हैं, मैं इसको इनसाइड कैंडल कहके पुकारता हूँ। इनसाइड कैंडल का फंडा क्या होता है, कि कभी भी जब एक कैंडल के अंदर बहुत सारे दिन, और जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूव, ठीक है, तो मैं यूजुअली क्या करता था, पहले जब मैं पोजिशनल ज्यादा करता था तो मैं वीकली ढूंढता था कि कोई वीकली मेरे को कंसोलिडेशन मिल जाएगा क्या, और वीकली बहुत आराम से आपको मिल जाएगा, अगर आप चार्टलिंग वगैरह पे जाके ढूंढोगे या मैनुअली भी ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इसमें इनसाइड कैंडल जिस भी तरफ ब्रेक होती है उस तरफ आपको एक बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा, ओके। अभी हम इस चार्ट पे, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, आप ये देखिए ये वाली कैंडल का
एक बड़ी कैंडल बनी है, इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया, हाई तोड़ा नहीं तोड़ा, लो तोड़ा हाँ तोड़ा। आप बोलोगे टारगेट, टारगेट 1:1, मैं तो ये कहता हूँ मिनिमम आप 1:1 करके रखो, जब तक कि आपको अपने ऊपर भरोसा ना आ जाए कि मैं इससे और कितना ज्यादा लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल हुई और इतना सारा ट्रेडिंग हुई, वहां पे 1:1 आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा हद तक चांस है कि मिल जाएगा। इधर देखिए ये दोबारा से ये वाली कैंडल आई, इस कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स इनसाइड हो गई, ठीक है। उसके बाद जब गिरावट आई तो कितनी गिरावट आई, अच्छी खासी गिरावट आई। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ये कर रही है कि वो एक बार इनसाइड हो जाती है और उसके बाद फिर कर देती है। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी कैंडल आई ग्रीन, इसके अंदर कितने सारे दिन आपके इसके अंदर ही चले गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंसोलिडेट कर रही है, नीचे की तरफ तोड़ा या ऊपर की तरफ तोड़ा, नीचे की तरफ तोड़ा, नीचे की तरफ तोड़ा, ऊपर की तरफ तोड़ा, सॉरी। तो ऊपर हालांकि इसने 1:1 का टारगेट नहीं दिया, लेकिन आप जितना मर्जी लेके निकल सकते थे उसके अंदर, 1:2 मतलब 1:1 से थोड़ा कम भी लेके निकल सकते थे। यूजली क्या होता है कि एक बार कंसोलिडेशन अगर टूट जाता है ना, जैसे अभी ये टूट गया ऊपर, तो ये अंदर कभी नहीं आना चाहिए। अंदर आएगा तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेड उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप ये ढूंढिएगा, जहां भी आप ऐसे ढूंढ ले आप उसको, फिर चाहे डे में डालिए उसको, चाहे किसी भी उसमें डालिए। ये देखिए यहाँ पे तो खैर छोटा कंसोलिडेशन था, एक ही कैंडल का, दो कैंडल का कंसोलिडेशन है, बट एक बार गया नीचे तो अच्छा खासा नीचे गया। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन आपको तो बहुत ज्यादा वो कर देंगी। कई बार बहुत अच्छा होता है, एक बार मेरे को बजाज फाइनेंस, अरे बजाज फाइनेंस ही तो है भाई सब हमारे, मेरे ख्याल से काफी टाइम पहले की बात है, मैं इसका ही वीकली कंसोलिडेशन एक बार चेक कर रहा था और वीकली मेरे को मिला था ये वाला, मिला था ये वाला मिला था, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो थोड़ा हाँ इतना क्लीन नहीं है जितना क्लीन ये होना चाहिए था, उतना क्लीन नहीं है, पिछले साल की बात है। ये इसने बहुत ज्यादा मेरा एक क्या कहते हैं, इनके साथ मेरा थोड़ा सा वो है, इन्होंने मेरा बहुत बड़ा एसएल लिया था एक बार, तो तब से मैं देखता हूँ कि भाई कभी भी इसके ऊपर मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ता। यहाँ पे एक बार यहाँ पे किया था इसने सेम चीज, ये अब मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए ये कैंडल के अंदर ये पूरा एक वीक, आप ये सोच लीजिए कि इसके अंदर चला गया था पूरा एक वीक, यहाँ पे चला गया था। जैसे इसने यहाँ के ऊपर गया, जैसे इसने यहाँ के ऊपर ये निकाला, मैं इसके अंदर बैठ गया। मैं कहा भाई ठीक है चलो देखो कितना देगा, 1:1 किया, ट्रेल किया यहाँ पे तो कितना मिल गया था, एंड दिस वाज ऑन फ्यूचर। अच्छा अंजलि, ये वही है। तो ये वाला 2022 का था, सेम वीकली इनसाइड था, और ये देखिए क्या छप्पड़ फाड़ का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। एक और यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एक और, हाँ ये वाला होना चाहिए, ये वाला भी इसने इतना अच्छा प्रॉफिट दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप कहोगे सर ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, हाँ थोड़ा सा ऊपर निकल गया, क्योंकि यूजली क्या होता है ना कि आप कभी भी परफेक्ट, जब हम बातें करते हैं ना, वो परफेक्ट बातें आप इसके अंदर नहीं ढूंढ सकते, जब आप इसके अंदर रहोगे चार्ट के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो दैट इज द रिस्क दैट यू हैव टू टेक। तो यहाँ पे एक वीक दो वीक अंदर चला गया, तो मैं कहा भाई दो वीक अंदर चला गया, अभी अगर ऊपर जाने के चांसेस जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा। तो ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने फ्यूचर की ट्रेडिंग की थी। सोचिए यहाँ पे 2 वीक भी 3 वीक भी अगर आप रखते हो तो 6,000 से 6,800, 800 पॉइंट बजाज फाइनेंस के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। यही चीज चलती रहती है, जब आप छोटे उस पे लेते हो तो छोटा आपको प्रॉफिट मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको मेरे को कितना सारा वो दिख रहा है, रेड के बाद ये ग्रीन कितनी बड़ी बनी, ठीक है। ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं आप सबको पता है, उसके बाद क्या हुआ, ये देखो एक ही वीक के अंदर आप पूरा का पूरा टारगेट दे दिया इसने। तो इस तरीके से ये चीजें बहुत काम करती हैं, बट ये देखिए क्लीन। और सबसे अच्छा क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र पे देखोगे कोई ना कोई यहाँ पे एक लेवल भी होगा, इसके ऊपर आप ले लो और उसके बाद 5% 6% ले लो 1 वीक 2 वीक 3 वीक के अंदर। ओके जी, तो पंबन जोन क्या होती है एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना,
तो ये पंबन जोन है, जो भी 325 की लास्ट कैंडल होती है किसी भी स्टॉक के अंदर, एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि जो 325 का टाइम है मैंने हार्ड कोड कर रखा है इसके अंदर, तो वो 325 ही ढूंढता है हर स्क्रिप्ट के ऊपर। वो ऐसी जगह होती है कि जहां से भाव बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, और जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे पंबन जोन थी और अगले दिन आपका क्या हुआ है, भाव ऊपर ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन रिट्रेस करके पंबन जोन के नीचे तक टच किया और उसके बाद फिर भागा है, कभी भी पंबन जोन टेस्ट हो जाती है तो आप उसमें एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेड ले सकते। अभी देखिए यहाँ पे ये टेस्ट हो गई, यहाँ पे नीचे टेस्ट हो गई ना, यहाँ तक आइए, ये वाली लाइन यहाँ तक आइए, ये टेस्ट हो गई, उसके बाद इसके ऊपर गया, यहाँ पे आप ले लो। यहाँ पे क्यों रुका थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ सीडी जोन था, जैसे सीडी जोन टूटा उसके बाद तो पूरे दिन में दुनिया भर के आपको सिग्नल्स मिले थे कि यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो, मतलब इतना अच्छा दिन था कि बल्ले बल्ले। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ऊपर जाने का पंबन जोन ने पकड़ा हुआ है, जैसे ही पंबन जोन ने यहाँ पे छोड़ा है तो कहाँ तक गया, सीडी जोन तक गया, वापस आ रहा है तो सीडी जोन, ये पंबन जोन इसको पकड़ लिया, और जैसे पंबन जोन से ये वाला बाहर निकला, ये कैंडल बाहर निकला तो कहाँ तक गया, वापस सीडी जोन तक गया। तो ये पंबन जोन आपको बहुत हेल्प करेगी। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से पंबन जोन के नीचे गया, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली भी होगी तो उसका वो हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ऊपर जाने की कोशिश किया कोई बात नहीं, नीचे जाने की कोशिश किया, अगर आप ऊपर का ट्रेड लोगे तो नीचे का भी ट्रेड लोगे, ठीक है। नीचे के ट्रेड में देखिए कितना माला माल बना गया, तीन कैंडल की बात थी और सब कुछ बदल दिया उसने। तो आप इसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर अगर डालोगे तो ये देखिए पंबन जोन यहाँ से ऊपर तोड़ने की कोशिश की, नहीं ये तो हमारा लाइव ट्रेड था, पंबन जोन तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, ऊपर से किसका रिजेक्शन है, शेषनाग जी का रिजेक्शन है, डक करके नीचे गिर गया। वापस जाने की भी जब कोशिश कर रहा है ऊपर तो कहाँ पे रुक रहा है, पंबन जोन रुक रहा है उसको। ये पंबन जोन बहुत आपको देखिए, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर कोशिश की उसने तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया, नीचे गिरा। ये हमेशा आप ये सिनेरियो देखो, अगर ऊपर कोशिश कर रहा और नहीं जा पा रहा, अब मुझे पता है यहाँ से तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 लोग जो हैं, 40 के 40 के लोगों को ये पता है कि दिस इज द प्लेस टू टेक द रिस्क। कभी भी अगर इस तरीके का आपको दिख जाए, ये क्या हो रहा है, सीडी जोन से रिजेक्शन हो रही है ना। अब जिसको जितना हिम्मत है, मैं तो कई बार यहाँ पे भी ठोक देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ से नहीं करना यहाँ कर दो, यहाँ से नहीं करना यहाँ पे कर दो, हर उससे कम से कम 100-150 पॉइंट के आसपास आपको मिल रहे हैं। और जब मैं ऊपर भी जाऊंगा तो मेरी जो पंबन जोन है पहला मुझे रेजिस्टेंस से सपोर्ट देगी। दिन में अगर कभी भी पंबन जोन टेस्ट होके ऊपर टेस्ट होके ऐसे भागता है तो स्टॉक बहुत अच्छा जाता है, और अगर ऐसे जाके थोड़ा सा रुक के ऐसे जाता है और वापस गिरता है तो ये भी बहुत अच्छा मूव होता है। तो इसके जितने सिनेरियो हैं, जितने मेरे को पता थे, मैंने कोशिश की है, वो सारे पंबन वाले वीडियो में हैं, आप उसको जाके एक बार देखिएगा। यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं पंबन पे, अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। इनफैक्ट कभी भी ऐसा हो कि स्टॉक ऊपर खुला, यहाँ पे खुला और पंबन से उसको रिजेक्शन मिला और फिर वो ऊपर गया, आप सोचिए उस दिन तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक अच्छा ट्रेड आप ढूंढ सकते हो, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे कोई इस तरीके का मिलेगा तो। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ से पंबन जोन टेस्ट हुआ उसके बाद ऊपर गया ना, ऊपर गया तो कितना ऊपर गया, इसमें 100 पॉइंट है, जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है वो समझ सकता है कि कितनी अहमियत होती है 100 पॉइंट की। यहाँ पे देखिए ये पहली कैंडल रेड बनी है, ये वाली कैंडल, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, सब कुछ इनसाइड हो रहा है, इसके ऊपर भी हमने ट्रेड लिया था शायद, ये जो सुबह सुबह के है ना ज्यादातर वो हम लोग ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि ये लाइव में होते हैं, ठीक है। ये पंबन जोन के ऊपर कुछ भी तो क्लोज नहीं होने दे रहा है, तो एक साफ ये बात बोल रहा है कि मैं तो नीचे, और पंबन जोन भी नहीं जाने दे रहा और उसके ऊपर शेषनाग जी है, तो डबल कंफर्मेशन की गिरेगा 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 ही गिरेगा, गिरना ही चाहिए, ठीक है जी। तो ये पंबन जोन है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, वो बताना चाह रहा था 3 वीक रूल। देखिए विक कब बनती है, तो आज मैं बहुत सारी चीजें आपको जो बची बची थी वो सब मैं आज आपको बता रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि आई अज्यूम इसके बाद हमारा बेसिक की मोस्ट ऑफ द चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मैं कल एक क्लास रखना चाह रहा हूँ, कल संडे है,
थोड़ी सी लंबी क्लास रखना चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि उसके अंदर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा रहेगा और थोड़ा सा हेल्दी टॉपिक रहेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आराम से बात करके उसको 1 घंटे 2 घंटे में खत्म करें। मैं बताऊंगा जैसा भी, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट। तो अभी इसके अंदर आप क्या होता है कि कभी भी ना रिजेक्शन क्या होता है, पहले आप ये बात बताइए रिजेक्शन क्या होता है। रिजेक्शन ये होता है जब प्राइस मेरा यहाँ पे खुलता है, ठीक है, उसके बाद सेलर्स आके उस भाव को नीचे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे मेरा ओपन है, ओके, सेलर्स उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं और जीत की खुशी मनाने लगते हैं कि हम तो जीत गए, ठीक है। तभी यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव होते हैं और जो प्राइस नीचे आया था उसको बाय करना चालू कर देते हैं। तो जो भी सेलर्स थे उनकी खटिया खड़ी होने लगती है और भाव इतना नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि बायर्स आ गए वहां पे, बायर्स एक्टिव हो गए वहां पे, ठीक है। और जहां से आपकी कैंडल स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर जाके क्लोज कर देते हैं। तो इस जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हैमर बोलते हैं। लेकिन ये जो हैमर है ये तो अपने को पढ़ा है, हम लोगों ने इसके बारे में बात की है ऑलरेडी, लेकिन आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक बार ये तो हैमर तो मतलब एक कैंडल हो गई, ठीक है, और उस कैंडल को हम किस तरीके से बोलते हैं कि उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, विक 1:3 का कम से कम का रेशियो होना चाहिए, बॉडी 1 है तो विक 3 टाइम्स उसकी होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो रियल मार्केट अगर आप देखोगे, तो मान लीजिए ये एक, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक कैंडल यहाँ पे आएगी और इसको टच करके यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत विक हो, थोड़ी बहुत विक ना हो, उसके बाद अगली कैंडल दोबारा से उसको तोड़ने का ट्राई करती है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ऊपर विक दिख रही है मुझे, यहाँ भी विक दिखी, यहाँ पे भी विक दिखी, फिर एक तीसरी बार एक और फाइनल उनका प्रहार होता है उसको तोड़ने का। तो कभी भी अगर आपका भाव कहीं पर तोड़ नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, इसको यहाँ भाव को ऊपर जाना है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा, और 3 बार अगर वो विक लगा के वहां पे रुक जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इनकी जितनी भी कोशिश थी भाव को ऊपर ले जाने के लिए, वो कोशिश काइंड ऑफ नाकामयाब हो गई है। तो अगर इस तरीके का आपका भी सिनेरियो देखो ना, देर इज अ गुड चांस कि वहां से एक डाउन मूव, जैसे इसके नीचे आएगा भाव, आपको एक अच्छा डाउन मूव मिलेगा। आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे, किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे, जैसे पंबन जोन था यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कितनी इसने कोशिश की है ऊपर जाने की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से लगा दूं, इसने क्या ऊपर जाने की कोशिश की, इसने ऊपर जाने की कोशिश की, इसने इसने फिर थोड़ा नीचे चला गया, फिर वापस एक बार दोबारा से आया, फिर इसने फिर यहाँ पे विक मारा। अगर आप ये देखो, इसको अगर मैं एक लाइन बोलूँ, इसके ऊपर कितनी विक्स आई है, तो अगर आपका 3 या 3 से ज्यादा विक एक एरिया में या एक जोन में अगर आ जाती है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि वहां पे भाव को बहुत मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना, उस जगह से नीचे या उस एक उसमें लेके जाना। अभी ये कई बार 3 होती है, कई बार 2 भी होती है, अगर रेफरेंस पॉइंट होता है तो 2 कैंडल का रिजेक्शन भी बहुत होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, सीडी जोन है, यहाँ से अच्छा रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा, एक बार इसने विक मारी, दूसरी इसने विक मारी, जब 2 विक मारी और उसके ऊपर कैंडल चली जाए तो ही इसका जो ट्रेड है वो स्टार्ट होता है। बट ये जो विक है ना, ये मेरे को साफ साफ दर्शाती है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि मैं नीचे नहीं जाने दे रही, और ये स्पेशली होता है रेफरेंस पॉइंट्स पे। कभी भी ऐसे हवा में यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ भी देखिए 2 विक मारी है फिर भी ऊपर चला गया, इस चीज को आप ट्राई टू सी एट द बॉटम, टॉप और रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे इसने विक मारी ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे, कभी भी भाव रिवर्सल होगा ऐसी जगह से, ऐसे लक्षण दिखा के ही होता है। अगर कुछ और मेरे को दिखता है तो ये देखिए, ये ऊपर की विक नहीं है, नीचे की विक है, यहाँ पे कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, नहीं 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 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये आप ढूंढिएगा, ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल। सीडी जोन पे तो आपको ऐसा बहुत बार दिखेगा, और बहुत ज्यादा दिखेगा। ये देखिए एक ने विक मारी, दूसरी ने भी विक मारी, और उसके बाद कितना गया नीचे धड़। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको बताएंगे, अरे अब जैसे ये है इसका मैं क्या मानू, ये तो हवा में बनी हुई है, हवा में बनी हुई चीज का मैं क्या मानूंगा। अब जैसे ये टॉप में तो है कम से कम, हवा में तो नहीं है, वो वाला तो एकदम हवा में था।
ये देखिए, अगर मैं इसको एक जोन मान के चलूं तो गिनिए इसके अंदर कितने सारी विक्स आ गई है। जहां पे विक्स आ जाती है, वो विक्स वही होता है कि वो खेल चलता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, ऊपर जाना है। ये देखिए, पिन पॉइंट रिजेक्शन हुआ है, एक कैंडल थी, चलो ठीक है। कई बार यहाँ पे देखिए, 1 2 3 तीन विक्स, हालांकि वापस आके तोड़ दिया उसने, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। ये तो इस तरीके से ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इंक्लूडिंग दिस, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और आई वॉन्ट टू कवर वन मोर स्ट्रेटेजी विच इज वन ऑफ द स्टार स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडिंग लर्नर्स। तो मैं आप सबको अनम्यूट करने का वो दे देता हूँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। सर एक डाउट है इसमें। हाँ सर बताइए। सर जैसे अगर समझ लो कॉम्बन जोन के नीचे ही हमारा अंगद का पाव है, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर अगर वो एक बार रिटेस्ट हो गया है उसके बाद अगर हमें शॉट मिल रहा है ऊपर से, तो क्या हम वो कैरी कर सकते हैं या फिर अवॉइड करना चाहिए? सर देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस समझ के चलिए कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। आप अपने बिजनेस में कभी भी कोई रिस्क लेंगे, डिपेंड करता है। अगर आप मैं बोलूं, देखिए आप एक एरोप्लेन में जा रहे हो स्काई डाइविंग करने के लिए, ठीक है। उसका एक बेसिक सा चेकलिस्ट होता है कि पहले अपना पैराशूट चेक करो कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैराशूट में छेद हो, होल हो, और जैसे ही आप कूदो, बंजी जंपिंग करो, आप सीधे के सीधे स्वाहा हो जाओ। तो आप कहाँ पे वो चेक करना चाहोगे? जमीन पे हो तब चेक करना चाहोगे, जब आप आसमान में हो तब चेक करना चाहोगे, या आप चेक ही नहीं करोगे, आप सीधे ही जंप मारोगे? तो जमीन पे ही पहले सर, पहले ही। एब्सोल्युटली मैं कभी भी नहीं चाहता कि सर मैं 1 रुपया भी अगर मैं मार्केट में लगा रहा हूँ ना, मेरा नंबर दो दो चीजें होती है टोटल, मेरा हार्ड अर्न मनी है, वो मेरा पैसा, मेरा खून पसीने का पैसा है। मैं उसको कहीं भी ऐसी जगह क्यों लगाऊं जहां पे 1% भी रिस्क हो। कई बार ट्रेडिंग ना करना भी एक फायदा होता है, क्योंकि आप उसमें पैसा नहीं खोते हो। मत कीजिए, ऐसा कभी आता है तो मत कीजिए। गुड, ओके सर, गुड। एनी अदर क्वेश्चन? सर सीडी जोन ब्रेक होने के बाद जो टारगेट रेफरेंस पॉइंट जो भी 70, 100, 120 वी कैन फॉलो, और इज देयर एनी अदर सर चीजें जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं? यूजुअली मैं बोलता हूँ कि कोई भी आप ट्रेड करो ना, मिनिमम 1:1 तो करना ही चाहिए। इफ यू आर टेकिंग रिस्क ऑफ 70 पॉइंट, एटलीस्ट लुक फॉर अ ट्रेड वेयर यू हैव 70 पॉइंट्स। अगर वो फॉलो नहीं होता है, कि जैसे अभी कोई पूछ रहे थे कि अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो क्या करूँ, तो जाने दो उसको, सिंपल नहीं सा बात है, छोड़ दो नहीं उसको, है ना? करेक्ट। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चन। चलिए, तो आपको एक मेरी K2 की 70, K270 की पूरी सीरीज है, आप उसको पहले देख लीजिएगा, और देखने के बाद मैं अगले सेशन में उसको हल्का सा टच करूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, उसके अंदर मुझे कुछ और बताना है आपको, तो आज मैं उसको नहीं लेता, ठीक है। स्ट्रेट अवे लास्ट स्ट्रेटजी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस इज द स्टार स्ट्रेटजी। जितना मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हमारे पास है, ब्रह्मास्त्र इज नॉट अ स्ट्रेटजी, ब्रह्मास्त्र इज अ इंडिकेटर, ठीक है। अगर त्रिशूल एक स्टार स्ट्रेटजी है फॉर बैंक निफ्टी, तो ऊर्जा, और ये सारे ना मेरे घर के बनाए हुए वो हैं, इसीलिए आप नाम इनके अजीब अजीब से देखोगे। विवेक जी पूछ रहे हैं, सर ब्रह्मास्त्र 1 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं चलता है क्या? सर ब्रह्मास्त्र हर टाइम फ्रेम और हर स्क्रिप्ट पे चलता है। अभी V3 के अंदर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है कि वो उस पर डेटा नहीं दिखाता, अगर डेटा दिखाएगा तो वो चलेगा।
इनफैक्ट 1 मिनट के ऊपर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहें तो ब्रह्मास्त्र आपका बहुत बढ़िया साथ देता है। कमिंग बैक टू ऊर्जा, ठीक है सर, ये स्ट्रेटजी मैंने करीबन करीबन 1.5 साल मुझे लगा था इसको कि जमीन पे कैसे लेके आना है, इसको समझ गया था कि क्या बनाना है लेकिन कैसे लेके आना है, तो बहुत मेहनत वहां पे की। उसके बाद जब मैंने ये बना दी ऊर्जा स्ट्रेटजी बना दी, इसको बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट, इसके ऊपर अगर मैं देखूँ ना, मैंने सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर किया है, वो आज तक मैंने सिर्फ ऊर्जा के ऊपर काम किया। ऊर्जा की सिर्फ एक ही परेशानी है जो कि मुझे भी होती है, ये ट्रेडर्स को ना बहुत ज्यादा वो बना देती है, क्या बोलते हैं, आलसी बना देती है, बिकॉज इसके अंदर इतना प्रॉफिट आता है, दिस इज अ स्कैल्पिंग, स्कैल्प करता ही है, और इतना ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट और इतना अच्छा इसके अंदर रिस्पॉन्स आता है कि अगर एक आपको एक अच्छा स्कैल्प मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती पूरे दिन के लिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरा एक्स अमाउंट रहता है जो मैं देखता हूँ पर डे के लिए, मुझे पर डे एक्स अमाउंट चाहिए, और 80%, 80% मतलब कि 10 में से 8 बार ये जो एक्स अमाउंट है ये मेरे को स्कैल्पिंग में ही मिल जाता है, ऊर्जा में ही मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, थोड़ा ध्यान से और थोड़ा मन लगा के सीखना। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ ये क्या है, उसके बाद ऑब्वियसली आपको सारे के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। मेरे ज्यादा से ज्यादा जितने भी लाइव सेशंस हैं उन सब के अंदर मैं स्ट्रेटेजी यही कराता हूँ, ऊर्जा ही कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, अभी ऊर्जा क्या बोलती है, ऊर्जा का एक सिंपल सा जो फंडा है ना, वो ये फंडा बोलता है कि देखिए आपको क्या होता है, अगर 3:30 आज हुए, ठीक है, दो क्या है आज मार्च, तो इसके बाद अगला आपका मार्केट कब खुलेगी, अगली आपकी मार्केट खुलेगी मंडे को, ठीक है, 9:15 पे पहला भाव अपडेट होगा, लेकिन ये जो दो टाइम होते हैं इन टाइम के बीच में आप सोचिए कितना गैप है, कितनी सारी चीजें होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो वो जो जितनी भी चीजें होती है वो चीजें क्या होती है, मान लीजिए किसी का न्यूज आ गया, मान लीजिए किसी का कोई डील आ गई, मान लीजिए किसी का कोई रिजल्ट आ गया, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी देखोगे, डिस्क्लेमर, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ऊर्जा के ऊपर अभी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, जब आप ऊर्जा लायक हो जाओगे तो आपको मैं खुद बताऊंगा कि अब आप ऊर्जा करना। ठीक है, स्कैल्पिंग है ना बहुत फास्ट होती है, और जितना फायदा होता है उतना तो नुकसान भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट सिंस दिस इज अ क्लास एंड आई प्रॉमिस मैं ये सब बताऊंगा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसके बीच में जो 15-16 घंटे होते हैं ना, वो जो भी पावर आती है किसी भी स्टॉक के अंदर, मान लीजिए कुछ अच्छा आ गया, वो स्टॉक अगले दिन बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के हम लोगों ने सेल का, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल का हम लोगों ने ट्रेड लिया था, लास्ट फ्राइडे को हमारा लास्ट ट्रेड यही था, तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना सारा गया है, सेल ही था ना हमारा कल, हाँ सेल ही था, राइट, यहां से गए। और यूजली कई बार आप क्या देखोगे ना, बहुत सारी कैंडल्स होती हैं जिसमें कि पहला, अब ये वाला देखिए, अच्छा मैं वही कहूं कि ये मुझे पहचाना सा क्यों नहीं लग रहा स्ट्रक्चर, अब आप एक बात देखिए कि इसने पहले 5 मिनट में, राइट, पहले 5 मिनट के अंदर इसने कितना मूव दिया है, इसने दिया है हमें 2% का मूव, 2% का मूव इसको पहले 5 मिनट के अंदर ही मिल गया है। ठीक है, और अभी अगर मैं देखूं अगला 5 मिनट का मूव, अगले मेरे ख्याल से सेम 2.5% मूव के लिए, अगर मैं इसके ऊपर देखूं 2.5% मूव के लिए इसने कितना टाइम लगाया, कम से कम यहां मतलब कि 2 बजे, 9:00 अब जो मूव इसको पहले 5 मिनट में मिला, ठीक है, इसको यहां से यहां तक जो 2.5% के या 3, 3.5 पॉइंट जो मिले इसको, वो 5 मिनट में मिल गए, और अगले सेम पॉइंट के लिए ये पूरा इसने शाम कर दिया यहां तक। ठीक है, तो ऊर्जा क्या करती है ना, ऊर्जा विल हेल्प टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, कि ऐसा आप कहाँ कहाँ पे ट्रेड करते हो, अच्छा वो करते कैसे हैं, वो पूरी स्ट्रेटेजी के यहाँ पे नहीं कर रहा,
उसके लिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो कि जब आप ऊर्जा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके वीडियोस में आपको देता हूँ कि उसके अंदर आप देखना कि की क्या होती है, उसके अंदर की लगना होता है। मोटा मोटी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे सेल था ना मेरे पास, मोटा मोटी जो उसका वो है, अगर आप इसको, मैं इसको क्या करना होता है, आपको 1 मिनट में आपको जाके ट्रेडिंग करनी होती है, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी होती है। ये मार्केट डेप्थ इसको बोलते हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि दिस इज कॉल्ड मार्केट डेप्थ। और इस मार्केट डेप्थ में क्या होता है, इस मार्केट डेप्थ में जो लोग यहाँ पे होते हैं, दे आर इंटेंडेड टू सेल देयर शेयर्स, वो लोग अपने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो डिपेंड करता है, वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे 78 ऑर्डर्स है, 137.65 के ऊपर कोई तो बंदा है जो इतनी क्वांटिटीज खरीदना चाहता है, ठीक है, 135.65 के ऊपर। बेचने के लिए कोई है? अभी अभी तो खैर मार्केट बंद है तो आपको दिखेगा नहीं, बट जब 9 बजते हैं, 9 बजे, ठीक है, ये जो काउंटिंग है ये स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सोचिए कि सेल के अंदर 3 लाख लोग खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए ये अभी 9 बजे का सीन है, ये वाला सीन जो है 9 बजे का सीन है। अब आप एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे 3 लाख 21 ढाई 17 हजार, 10 हजार लाख, 3 लाख लोग खरीदना चाहते हैं सेल को और बेचने वाले हैं 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तो धड़ाधड़ बिकेगा, कोई भी किसी भाव पे इसको बेच दे, हर बंदा खरीदने के लिए तैयार है, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। टमाटर 100 रुपए किलो कब होते हैं? जब हर कोई खरीदना चाहता है और सप्लाई होती नहीं है, सप्लाई बंद हो जाती है, देयर इज नोबडी हु वांट टू सेल, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं करना चाहता, सब लोग खरीदना चाहते हैं, तो भाव क्या जाएगा? भाव ऐसे करके शक्कर के ऊपर जाएगा। ये दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर जो हमें देखना होता है ऊर्जा करते वक्त। दूसरा इंडिकेटर क्या होता है? दूसरा इंडिकेटर होता है कि आप कभी भी जो भी आप इसके अंदर लोगे, जब भी आप इसके अंदर एंट्री लोगे, हमेशा आपको क्या देखना होता है कि मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बाकी वहीं पे देखना पड़ेगा कि आपका कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे कि जो मैंने ऊर्जा का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको क्या बोलूंगा मैं, उसके अंदर मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी भाव आपका कैंडल अगर यहाँ पे है जिसके कि लेफ्ट हैंड साइड पूरा खाली है, दैट इज द अल्टीमेट सेटअप। लेकिन क्योंकि हम धीरे धीरे ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और हमने ऊर्जा को अभी ज्वाइन करवाया है ब्रह्मास्त्र के पास, तो हम ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो कि भागने वाले हैं इस तरीके से। जैसे ये कोई भी अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप इनमें किसी भी कैंडल में हो ना, इस कैंडल को छोड़ के, मैं किसी भी कैंडल में नहीं बोलूंगा कि आप ऊर्जा कीजिए, लेकिन अगर एक कैंडल है जो कि शेषनाग जी से रिवर्सल कर रही है, कर चुकी है, और उसके ऊपर अगर कोई भी मूव आएगा, बहुत अच्छा मूव आएगा, तो इस तरीके से इसके साथ कुछ और भी रूल्स हैं, उन सब रूल्स को अगर आप मिला दोगे तो उस वो रूल बना के हमें देते हैं 6 से 10 स्टॉक सुबह सुबह 9 बज के 1 मिनट पे। हम ये लोग हम ये काम शुरू करते हैं, इसके अंदर बहुत चीजें, ताकि कि आप वो चेक करते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना एनएससी चेक करते हैं, तो वो सारी चीजें विस्तार में आपको वीडियो में पता चलेंगी। लेकिन 9 बज के 15 मिनट तक हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें कि 6 से 10 स्टॉक होते हैं, ओके जी। जब 6 से 10 स्टॉक होते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद हमें ये करना होता है कि जो हमारा पहला 1 मिनट होता है, वो 1 मिनट के ऊपर, अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आपको नहीं पूछना है, क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड यू नो हमने बहुत इसके ऊपर काम किया है और ये ऐसे ही काम करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, पीपल डोंट नो, दैट्स वाई दे डोंट अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ये पहले 5 मिनट की, पहले 1 मिनट की कैंडल है, नीचे देखिए इस यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आएगा इसका, 9 बज के 15 मिनट की ये कैंडल है। जैसे ही 9 बज के 15 मिनट की कैंडल खत्म होती है, हमें क्या करना है, हमें उसके ऊपर एक लाइन लगानी है, और जैसे और जब भाव उसको क्रॉस करेगा, मुझे वहां से 1:1 का ट्रेड मिलेगा। इसकी बहुत ज्यादा वो रहती है, एक 1:1 में कैसे करता हूँ, जीरोधा में मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगाता हूँ और ये डाला, तो इसके अंदर क्या है, ये मेरा 1:1 है, इसके अंदर मैं 1.71 का रिस्क ले रहा हूँ, और क्या ढूंढ रहा हूँ ऊपर, 1.71 का ऊपर टारगेट ढूंढ रहा हूँ। ये एक आपको मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ,
आप कहोगे सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट के लिए आप ट्रेडिंग करते हो क्या, तो आपको ये दिखा देता हूँ इसमें कितने पॉइंट है। 1.71 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट मान लीजिए, चलिए अगर मैं इसके फ्यूचर पे जाऊं तो इसका जो एक फ्यूचर है उसका के अंदर आता है 8,000 लॉट। ये आपको कल वाले सेशन में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका मतलब है कि जब मैं एक इसका फ्यूचर खरीद रहा हूँ, मैं 8,000 शेयर खरीद रहा हूँ। 8,000 शेयर में अगर 1.7 का मूव आपको मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अराउंड 12,000 रुपये, 12 से 13,000 रुपये। और वो 12 से 13,000 रुपये आप कितनी देर में कमा रहे हो? दैट यू आर अर्निंग इन मिनट्स। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही ज्यादा वैसा होता है। यहाँ पे 9:15, यस। तो ये देखिए आपने यहाँ पे ये लगाया हुआ है और आप कितनी देर में ये लगाते हो, खत्म करते हो ट्रेड। इसमें तो खैर इतना ज्यादा तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। मार्च, ठीक है। अगर आप 1 या 2 पॉइंट में, आज हीरो मोटो कॉप में थी। अच्छा, आज आज भी किया क्या तुमने? उपजा आज नहीं करना चाहिए था, आज वो था ना। ये देखिए, अच्छा ये कहाँ पे है? हाँ 9:15 यहाँ पे मार्केट खुली। यहाँ से आप ये 1:1 ले सकते हो यहाँ से, जितनी बॉडी है। और जो बहुत सारे रूल होते हैं ना इसके, अच्छा ठीक है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं वो, जब आप हम इसीलिए मैं ये वाला सेटअप आपको लाइव में करवाता हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल वाला वो है, चैप्टर है। तो ये मैं आपको इसीलिए लाइव में करवाता हूँ, स्टूडेंट के साथ में करता हूँ। और आज से नहीं कर रहा, पता नहीं कब से कर रहा हूँ, तो मुझे याद भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये पूरा साल ही चला गया 2023 का, जब हमने इसके अंदर किया है, ट्रेडिंग किया है। जो नए लोग होते हैं वो इक्विटी के साथ करते हैं, थोड़ा कम प्रॉफिट कमाते हैं, बट जो फ्यूचर के साथ करते हैं वो बहुत अच्छा इसके अंदर कर सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, हाँ चीजें इस तरीके से चलती हैं। ठीक है जी। तो एनी डाउट ऑन ऊर्जा? डोंट डाउट ऑन ऊर्जा इफ यू। चलिए ठीक है भाई, बम बम बोले, गुड नाइट। ओके, गुड बम नाइट बोले, सर, बाय बाय। गुड नाइट सर, थैंक यू सर, थैंक गुड यू सर, बाय। नाइट।